नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सागर नीतल प्रसरण के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सी फ्लूर स्प्रेडिंग। सागर नीतल प्रसरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सी फ्लूर स्प्रेडिंग। हम लोग विशेष करके इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि फ्रेंड्स, आज के दौर में जो हमको पूरा का पूरा जो आपको पृथ्वी के धरातल पर जो भी आकृतियां दिखाई देती हैं, चाहे जो भी आपको स्थल भाग दिखाई दे रहा हो अर्थात महाद्वीप, या जो भी सागर दिखाई दे रहे हों, इनकी बनावट अर्थात इसकी रचना कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसी के संदर्भ में हम लोग सबसे पहले वेगनर महोदय का उनका महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्धांत को देखे। हालांकि उसमें कुछ खामियां रहीं, उसके बाद सागर नीतल प्रसरण आया और सागर नीतल प्रसरण काफी सहयोग करता है आपको महाद्वीपीय विस्थापन में। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी। तो ये दो चीजें जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अर्थात जो इसमें प्रवाह होता है, महाद्वीप जो है तैर रहे हैं, और ये सागर नीतल प्रसरण क्या है, इस वीडियो में देख लेंगे। तो दो चीजों को मिलाकर के हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में दो चीजें समाहित है। एक तो हमारा प्लेट आपको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अर्थात जो भी महाद्वीप है वे तैर रहे हैं, जो भी ठोस भाग है पृथ्वी के वे महासागरों के ऊपर तैर रहे हैं, नीचे की तरफ तैर रहे हैं। तो हम इसके बारे में विशेष रूप से बता चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो 15 नंबर आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग लिंक को चेक कीजिए, नीचे जाइए 15 नंबर वाले को क्लिक कीजिएगा। 15 नंबर वाले को, 15 नंबर में आपको एक सूची बना करके उसमें हम रखे हुए हैं, उसके आप प्ले लिस्ट को, उसके लिंक को क्लिक करना है, सीधे आप उस प्ले लिस्ट में जाइएगा भौतिक भूगोल के, और सीधे जाकर के उसमें खोजिएगा कहाँ पर है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसके बाद इसको देखिएगा सागर नीतल प्रसरण, और उसके बाद हम लोग प्लेट विवर्तनिकी को देख लेंगे, काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो भौतिक भूगोल वाले प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं अब सागर नीतल प्रसरण क्या होता है। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जो भी यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया, यूरोप, यहाँ पर यूरोप है, और ये हमारा अफ्रीका है हरा वाला, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, पीला वाला है उत्तरी अमेरिका, और ये पूरा का पूरा अंटार्कटिक है। तो इस तरीके से ये जो भी आकृति हमको दिखाई दे रहा है स्थल भाग, ये आखिर में ऐसा क्यों है, क्या शुरू से ही ऐसा था, इसी संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों दिखाई देता है। तो हम लोग विशेष करके अपनी भौतिक भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी मजा भी आने वाला है। चलिए सागर नीतल प्रसरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को बता देते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके नीचे की तरफ चलेंगे। काफ़ी हर चीज़ को मैंने फिगर से डिनोट करके बताया है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप लोग एक और बात बता देना चाहता हूँ, स्थल मंडल के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो स्थल मंडल लिथोस्फीयर के बारे में भी जान लीजिएगा। हालांकि इसमें भी मैं बता रहा हूँ, भौतिक भूगोल वाले प्लेट्स में देखिएगा उसमें भी स्थल मंडल का मैंने शामिल कर दिया है, आपको उसमें दिख जाएगा। तो हालांकि थोड़ा सा इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ, पृथ्वी जो है फ्रेंड्स, वह पृथ्वी की तीन परतें हैं मुख्य रूप से, ठीक है। बीच में जो है कोर कहलाता है, जिसको कि कोर कहलाता है अंग्रेजी में बोलते हैं और क्रूड हिंदी में लिखते हैं क्रो और ड क्रूड। ये इस फिगर को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस फिगर को, उसके बाद सारे फिगर को हम लोग बताते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझ लेंगे महासागरीय नीतल प्रसरण क्या होता है। सबसे पहले हम क्या बोले, कोर होता है ये आंतरिक भाग में, उसके बाद जो होता है ये पूरा का पूरा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और यहाँ पर तापमान जो है काफ़ी अधिक रहता है, एक बात याद रखिएगा। और सबसे बाहरी जो भाग है यही हमारा ठोस भाग है, जिस पर कि हम लोग हैं, यह जो बाहरी भाग है यही, इसी पर हम लोग हैं और यही हमारा ठोस भाग है, और इसके भूपटल या भूपरपट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भूपटल या भूपरपट्टी, और ये काफ़ी ठोस भाग है। और इसके बीच में कोर या क्रोड और भूपरपट्टी के बीच में जो है यह वाला भाग, इसको मेंटल कहते हैं, यह पूरा का पूरा मेंटल है, ठीक है। क्या क्या समझे आप लोग कि मेंटल, इसको एक और नीचे वाले फिगर में मैं अच्छे तरीके से समझा करके आपको बता रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। तो हम लोग समझे, सबसे आंतरिक वाले केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं, उसके बाहरी थोड़ा सा आते हैं तो ये मेंटल होता है, और मेंटल भी दो भागों में होता है, मैंने लिथोस्फीयर में पढ़ा चुका है, अब केवल यहाँ पर मेंटल समझिए, ठीक है। मेंटल हो गया, और ऊपर आएंगे तो सबसे ऊपर जो है हमारा भूपटल या भूपरपट्टी होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझे, तो आप लोग जैसा कि मैंने बताया था कि सूर्य से टूट करके पृथ्वी बना है, अलग होकर के आया, और धीरे धीरे सूर्य में गैसीय फॉर्म में था, और गैसीय फॉर्म से धीरे धीरे लिक्विड में आया, तरलावस्था में, और उसके बाद ठंडा होते गया उसके बाद ठोस बन गया। और जब ठंडा बनने के क्रम में ठंडा होते गया, उसके क्रम में क्या होता है कि ठंडा होने के क्रम में इसमें संकुचन होता है, सिकुड़ाव होता है, और उसी क्रम में सिकुड़ाव के क्रम में और ऊपर वाले जो हैं ये वाले सारे के सारे भाग, ये ऊपर वाले जो है जम जाते हैं, क्योंकि ठंडा होता है। आप लोग दूध को या चाय को देखिएगा, ठंडा होता है, ऊपर से एक पपड़ी जम जाता है, उसी तरीके से ये वाला भाग जो है ठंडा हो गया, और अंदर वाला भाग जो है लिक्विड फॉर्म में है, ये जो है सेमी लिक्विड है, अर्थात न ज़्यादा तरल अवस्था में और ना ही मतलब पानी के तरह नहीं है, एक तरीके से शहद के जैसा बोल सकते हैं, पारा के जैसे बोल सकते हैं, आपको रसगुल्ले के रस के जैसे बोल सकते हैं, मतलब उस तरीके से समझ सकते हैं। और ये जो है बिल्कुल यहाँ पर तरल अवस्था में है, ठीक है,
यहाँ पर जो है धातुएं पाई जाती हैं, कोर में जो है हमेशा निकेल और फेरस, इसको निफे के नाम से भी जानते हैं, निफे NIFE निफे, इसे निकेल होता है धातु है और फेरस में से लोहा, ये दोनों हैं धात्विक हैं, धात्विक के तत्व हैं, एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से कोर में हमारा पूरा का पूरा जो है इसको बोलते हैं हमारा क्या, तो कोर, और इसमें हमारा धातु पाया जाता है, ये आपको पता चल गया। ऊपर बढ़ते हैं तो ये मेंटल होता है, इसमें भी बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और ये जो है पूरा का पूरा हमारा क्या है, तो ये हमारा ठोस भाग है, भूपरपट्टी, इसको को क्रस्ट बोलते हैं। यह जो भूपरपट्टी या क्रस्ट होता है महासागरों के नीचे तक भी पाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ इस फिगर से आसानी तरीके से, कुछ चीज़ों को और सुन लीजिए जरा, उसके बाद और इंटरेस्टेड लगेगा। तो यहाँ पर मैं दरअसल ये बात कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये सारे जो हैं भूपरपट्टी, ये मेंटल पर तैर रहे हैं, ये पूरा का पूरा भूपरपट्टी जो मेंटल पर तैर रहे हैं। आइए इस फिगर को थोड़ा सा देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था, इस फिगर को थोड़ा सा देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको पृथ्वी आया और सिकुड़ाव हुआ, सिकुड़ाव के क्रम में ऊपर वाला जो क्षेत्र था वह जम गया पपड़ी के जैसा, और चूंकि इसमें सिकुड़ाव होते गया केंद्रीय भाग की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, जब कोई भी चीज़ ठंडा होता है तो उसमें सिकुड़ाव होता है, आप लोगों को यह याद रहना चाहिए। तो ये सिकुड़ाव होते गया, सिकुड़ाव होते गया, और इस क्रम में क्या हुआ कि सारा जो है अधिक घनत्व वाला जो पदार्थ था वह धीरे धीरे केंद्र की तरफ आने लगा, और इसमें जो स्पेस होने लगा, और इसी क्रम में गुरुत्वाकर्षण कारण इसके क्रस्ट के बीच में और ये मेंटल के बीच में कुछ स्पेस हुआ होगा, और इसी कारण वो नीचे की तरफ हल्का सा धस गया होगा, टूट गया होगा, और इसी तरीके से ये टूटा और अलग अलग इसी प्रकार से प्लेट बने हुए हैं पूरे के पूरे पृथ्वी पर, ठीक है। ये प्लेट, इसी को प्लेट बोलते हैं, पृथ्वी के सख्त या मजबूत या कठोर भाग को, दृढ़ भाग को, कठोर आपको क्या बोल सकते हैं उसको, कठोर या रिजिड, वही भाग को हम लोग बोलते हैं प्लेट। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम प्लेट के बारे में विशेष रूप से बताएंगे, और ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, प्लेट जो है एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए हैं, और इसी में से क्या होता है कि धीरे 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 इसमें जो प्लेट के बीच में जो दरारें हैं देख सकते हैं, और इसी से धीरे 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 हमारे नीचे से ये मेंटल निकलते रहता है। जैसे कि और अंडा ले लीजिए, और अंडा पर धीरे से एक आपको कुछ भी से नाखून मार दीजिए और फूट जाए, ऐसा मारिए कि ज़्यादा अंदर तक ना जाए, हल्का सा केवल फोड़ना है अंडा को, और जैसे ही हल्का दरार लग जाएगा अंडा में तो देखिएगा उससे नीचे जो है लिक्विड फॉर्म निकल करके बाहर आने लगेगा। तो सेम तरीके से पृथ्वी में भी होता है, यही क्रम जो है निकल करके बाहर आता है, और इसी क्रम में तमाम तरह की चट्टाने बनती हैं, आपको चट्टाने बनती हैं और पर्वतों का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आई होगी फ्रेंड। तो मैं यहां पर क्या समझाया आपको, तो विशेष करके भूपटल या भूपरपट्टी को समझा दिया कि भूपरपट्टी और भूपटल क्या होता है, इसको भी आगे मैं समझा रहा हूँ। अब इस फिगर में आइए, अब चूंकि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा हमारा भूपरपट्टी जो है समतल नहीं है फ्रेंड्स, कहीं पर हम देख रहे हैं महासागर है, कहीं पर देखते हैं स्थल भाग जहाँ पर हम हैं, कहीं पर आप महासागर भी देखते होइएगा, देख सकते हैं इस फिगर में ही आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसमें ग्रीन वाला इस प्लेट पर देखिए, इसमें ग्रीन वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है, इस प्लेट को इस फिगर को देखिए, इसमें जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला ये हमारा स्थल भाग है, और जो नीला दिखाई दे रहा है ये आपको जलीय भाग है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि प्रत्येक प्लेट पर जल और स्थल दोनों है। तो इस तरीके से आप लोग स्थल और जल में अंतर करना सीख गए होइएगा। आइए थोड़ा सा इस फिगर में देखिए, अब सेम टू सेम वही होता है, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा मेंटल है, अंदर में क्रोड है, और क्रोड में फ्रेंड्स काफ़ी तापमान होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे केंद्र की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, याद रखिएगा। आंतरिक भाग में हमारा तापमान जो है बढ़ते चला जाता है, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है बढ़ जाता है, अर्थात एक आपको प्रत्येक 32 डिग्री, अगर 32 डिग्री बोल रहे हैं, 32 मिनट, अगर 32 मीटर अंदर जाइएगा इस क्रस्ट से अंदर की तरफ केंद्र की तरफ 32 मीटर अगर अंदर जाते हैं आप तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, फिर 32 जोड़ दीजिएगा, 32 और चले जाइएगा तो 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से 32 32 32 32 करते जाइएगा तो 1 डिग्री जो है अंदर की तरफ तापमान जो हमारा वृद्धि होते जाता है। तो सबसे सर्वाधिक तापमान जो है यही होता है, और यहाँ पर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग तापमान होता है, काफ़ी तापमान होता है, ठीक है। और यहीं से जो है तापमान रिलीज होते रहता है हमारा इधर की तरफ भी, और इसी के तरीके से ये पूरा का लिक्विड फॉर्म में जो होता है ज्वालामुखी फटफट के इसी तरीके से निकलते रहता है। आइए थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा देख लीजिए, ये हमारा क्रोड है, इसको समझ रहे हैं, ये क्या है हमारा क्रोड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, ये हुआ मेंटल, और इसके ऊपर जो हमारा ये तैर रहा है इस रूप में है, लेकिन हम यहाँ पर सटे हुए दिखाए हैं, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो है तैर रहा है। और चूंकि हम जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो क्रस्ट है इस पर सागर भी है, कहीं पर भी आपको स्थलीय भाग भी है, तो देख लीजिए जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सागर है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर सागर है, थोड़ा सा जलीय मात्रा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक सेकेंड, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सागर है, इस ठोस वाले भाग पर, इस ठोस वाला भाग हमारा क्या है, तो ये क्रस्ट है, या इसी को भूपटल या भूपरपट्टी बोल सकते हैं, जो ऊपर वाला हमारा ठोस भाग है इस पर सागर है, और सागर के नीचे भी देख सकते हैं भूपरपट्टी है, लेकिन इसकी मोटाई कम है, और स्थलीय भाग यहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर मोटाई ज़्यादा है। इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, इस फिगर में आइए थोड़ा सा समझ में आएगा, इस फिगर को थोड़ा सा देखिए,
इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद समझ में जाएगा। ये जो है हमारा केंद्रीय भाग का हो गया, ठीक है, अंदर देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये वाला भाग हमारा हो गया मेंटल, और ये हमारा हो गया क्या, तो ये हमारा हो गया हमारा पपड़ी जो था हमारा क्रस्ट, देखिए क्रस्ट है, और इसके ऊपर जो है हमारा बहुत प्रकार धरातल पर हम लोग रहते हैं, और इसी पर हमारा सागर पाया जाता है। तो देख रहे हैं सागर के नीचे जो है हमारा क्रस्ट की मोटाई बहुत कम है, और यहाँ पर स्थलीय भाग पर क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा है। तो स्थल भाग पर क्रस्ट की मोटाई जो होती है 30 से 40 आपको किलोमीटर तक होता है, यहाँ पर जो है स्थल भाग की मोटाई जो 30 से 40 किलोमीटर होता है, और ये जो सागर के नीचे जाइएगा तो 5 से 6 किलोमीटर तक का होता है। सागर से नीचे 5 से 6 किलोमीटर तक का होता है आपकी मोटाई, ये सबसे ऊपर जो स्थल भाग है उसकी मोटाई का बात मैं बोल रहा हूँ। सागरों के नीचे 5 से 6 किलोमीटर, और स्थल भाग जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अगर नीचे तक जाना है स्थल भाग कहाँ तक इसकी मोटाई है, तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। उसके बीच जो है उसके बाद जो है ये लिक्विड फॉर्म में हमारा सेमी लिक्विड जो है मेंटल वो आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और सेम टू सेम यही फिगर हम यहाँ पर भी बना दिए हैं, देख सकते हैं ये सारे का सारा प्लेट जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सटते रहता है, हटते रहता है, और इसी क्रम में इसके बीच के दरारों से मेंटल निकल निकल कर बाहर आते रहता है और धीरे धीरे फैलने लगता है धरातल पर। आइए इसको फिगर को, ये मेंटल हो गया, और यहाँ पर देखिए स्थल भाग है, यहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, ये सागर हो गया। सागर में देख रहे हैं यहाँ पर जो है डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पर पतला है, ये जो क्रस्ट है ऊपर वाला मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट है इसकी जो है मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा इधर की तरफ है, इधर की तरफ भी स्थल भाग की तरफ ज़्यादा है, लेकिन सागरों की तरफ जो देख रहे हैं कम है। तो इस तरीके से हम क्या बताएं कि सागर के नीचे जो है 5 से 6 किलोमीटर होता है, और स्थल भाग के नीचे जो होता है हमारे इसकी मोटाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर। और जैसे जैसे केंद्र की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारा तापमान प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता हो गया। अब भाई ये सागर नीतल प्रसरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आखिर में सागर नीतल प्रसरण क्या है, उसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। सागर नीतल प्रसरण जिसको कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जानते हैं, इस अवधारणा के प्रस्तुतकर्ता जो हैं प्रोफेसर हैरी एच हैस, यही है प्रोफेसर हैरी एच हैस और रॉबर्ट एस डीज इन्हीं के साथी थे। उनका फोटो नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं लगाया है, आप लोग इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये हमारे हैरिस महोदय हैं, पहले वाले हैं, ठीक है, दूसरे वाले का फोटो हमको नहीं मिल पाया इसलिए हम नहीं लगा पाए हैं। प्रस्तुत का समय जो है प्रस्तुत किए सन 1960 में, और इन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स कि नीचे से जो भी देखते हैं, हमको पता है कि सारा का सारा जो है प्लेट का बना हुआ है, और प्लेटों के बनने के क्रम में आइए हम थोड़ा सा इस फिगर को सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यह है हमारा पूरा का पूरा, आपको ये मेंटल है, अपर मेंटल और उसके नीचे नीचे वाला होगा। मैग्मा किसको बोलते हैं, तो मैग्मा जो है नीचे का जो पिघलित पदार्थ होता है आपको उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब बाहर निकल करके ऊपर आकर के जम जाता है धरातल के ऊपर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लावा। एक फिगर और है, काफ़ी आसानी तरीके से समझ में आएगा। देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंट पर हम लोग हैं, और ये जो है हमारा जलीय भाग है, और यही जो है हमारा क्रस्ट है, यही क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर जो है हमारा कॉन्टिनेंट है, इसी पर हम लोग रहते हैं, मिट्टी है जो भी है यहीं पर है, पर्वत जो भी बना है यही है, और ये यह हो गया हमारा प्लेट, और प्लेट पर ही हमारा जो भी धरातल पाया जाता है, मिट्टी पाई जाती है ये है, और इसी पर मतलब प्लेटों के ऊपर ही धरातल है, आपको जितना जलीय भाग जो भी चीज़ें दिखती हैं वो प्लेट के ऊपर हैं। और ये प्लेट देखिए यहाँ पर जो है गैप होता है, क्या होता है कि प्लेट जहाँ पर भी कमज़ोर होता है, या देख रहे थे कि दो प्लेटें एक दूसरे से सटी हुई थी उसके बीच में अगर गैप होता है तो क्या होता है कि नीचे से ये पदार्थ जो है धीरे धीरे इस पर आते रहते हैं, और इस क्रम में उसके बीच से जो है थोड़े निकलने लगते हैं, और ये काफ़ी गर्म होते हैं चूँकि नीचे से काफ़ी तापमान आ रहा होता है, तो धीरे धीरे प्लेट को थोड़ा सा उठा देते हैं ऐसे, फिर ऐसे उठेगा, और इस क्रम में ये उठते थोड़ा सा पदार्थ इधर भी बढ़ते रहता है और इधर भी, ठीक है, और महासागर के अंदर ही होता है ये सारा चीज़ जो है, महासागरों के अंदर ही होता है, तो महासागरों के अंदर भी एक श्रृंखला बन जाती है पर्वतों की, उसको हम लोग बोलते हैं कटक, उसका नाम देते हैं कटक। तो एक तरीके से कटक जो है हमारा एक पर्वतीय श्रृंखला है महासागरों के अंदर, क्या है, तो महासागर के अंदर जो है हमारा एक तरीके से पर्वत श्रृंखला ही हमारा कटक कहलाता है। तो मैग्मा सेम टू सेम आप लोग समझ लें, द्रवित जो यही मेंटल जो है इसी को हम लोग मैग्मा बोल सकते हैं, ठीक है, तो मैग्मा आप लोग समझिए। तो ये मैग्मा को आप लोग एक और तरीके से समझते हैं, मैग्मा जो है इसी क्रस्ट का जो है गलित भाग है, ये नीचे की तरफ जैसे आ गया ये गल जाता है, फिर इधर से आकर के ऊपर उठने लगता है, ठीक है, और ये प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है, ये जाता है फिर यहाँ पर जम करके फिर ये नीचे आता है, तो ये प्रक्रिया निकलते रहती है। और जाकर के देखिए यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, यह मैग्मा हमारा निकला यहाँ से और धीरे धीरे क्रस्ट के ऊपर से फैलने लगेगा, और धीरे धीरे यह जो है हमारा कॉन्टिनेंट महाद्वीप और सागरों के आपको तलहटी से, वो ये सागर है नीला वाला, सागरों के तलहटी से पदार्थ होकर के फिर नीचे से आएगा और फिर इसी तरीके से अंदर की तरफ भी प्रवेश कर जाएगा हमारा मैग्मा और फिर इधर से आकर के जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा पर्वत बनते रहता है, आसानी से यहाँ पर पर्वत बनते रहता है। अब आइए इस फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या था हमारा महासागरीय सागर नीतल का, नीतल का महासागर का मतलब समझ रहे हैं, महासागर हुआ और सागर का आपको महासागरीय आपको नीतल है,
अब प्रसरण का मतलब फैलाव होता है, तो इस तरीके से मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा का पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है हमारा क्रस्ट हुआ, सबसे ठोस भाग जो है, ठीक है, और ये हमारा पूरा सागर है। सागर के अंदर हम लोग चल के देख रहे हैं, देख सकते हैं, और मान लीजिए कि इसमें दो प्लेटें हैं, एक प्लेट इधर की तरफ है, इस इधर की तरफ बल लग रहा है और इधर की तरफ, तो क्या होगा जब एक चीज़ को दोनों तरफ से खींचिएगा तो बीच में जो है टूटने की संभावना रहती है। तो इसी तरीके से जब तनाव होता है, टेंशन जब लगता है, टेंशन फोर्स जब लगता है आपको प्लेटों पर इधर और इधर की तरफ, तो धीरे 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 कमजोर होने लगता है बीच में। किसी भी चीज़ को अगर खींचिएगा तो देखिए पतला होने लगता है बीच में और धीरे धीरे टूट जाता है। लेकिन ये जब धीरे धीरे करते हैं तो ये पतला होने लगता है और इसी कारण नीचे से जो है ये फोर्स लगाने लगते हैं ऊपर की तरफ, और ये धीरे धीरे बीच वाला जो है हमारा ये स्थल भाग जो उठ जाता है ऐसे की तरफ, और ये चाहता है कि इधर से निकल जाए, इसमें से धीरे 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 निकलने लगता है मैग्मा, और इधर भी प्रसारित होने लगता है और इधर भी, और ये जो कि हमारा आपको कॉन्टिनेंटल है और इसके नीचे जाकर के फिर अंदर से प्रवेश करके फिर धरातल के अंदर चला जाता है, ठीक है। इस फिगर से आप लोग ज़्यादा समझ पाइएगा, इस फिगर वाला से देख सकते हैं, यहाँ से आया फिर इधर से घूम करके आ जाएगा इधर से जाकर के, और यहाँ पर पर्वत भी बनाते रहेगा, कटक जिसको बोलते हैं, महासागरों के अंदर कटक के नाम से जानते हैं, और आग और राख भी निकलते रहता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जब फैलाव होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं महासागरीय नीतल प्रसरण। तो प्रोफेसर हैरी हैस महोदय ने अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर देखिए अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, हम नीचे आपको मैप में भी बता रहे हैं, अटलांटिक महासागर में क्या किए थे, एक देख रहे हैं इसी घटना को कि ऐसी जो बहुत प्रकार की कटक उनको देखने को मिला, दोनों के मध्य में, महासागरों के मध्य में मध्य अटलांटिक कटक देखने को मिलता है, और एक तरीके से केवल उसी में अटलांटिक महासागर में नहीं, आपको आपने हिंद महासागर भारत नीचे भी देखने को मिलता है, भारत के नीचे अपना हिंद महासागर है वहां पर भी देखने को मिलता है, मैं आपको अच्छे तरीके से उसको भी समझा रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा जलीय भाग, और ये देखिए यहां पर जो है नए नए आपको पर्वत बन रहे हैं धीरे धीरे, यहां पर जो है चट्टाने धीरे धीरे खिसक रही है, यहां से जो भी पदार्थ धीरे धीरे निकल करके लावा जम जम करके ठंडा हो रही है, और इधर की तरफ जो है खिसका हो रहा है, ठीक है, और ये जा करके फिर जो है खिसक करके इधर आ रहे हैं, और फिर ये जो है महाद्वीपीय अर्थात कॉन्टिनेंटल जो ये प्लेट है कॉन्टिनेंट के नीचे जो है उसकी खाई के अंदर, उसके गर्त के अंदर फिर समाहित हो जाते हैं, इसके नीचे चले जाते हैं और इस तरीके से फिर अंदर की तरफ चले जाते हैं। इस फिगर से आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, ये जो है पूरा का पूरा हमारा, तो इस तरीके से ये कटक बन जाता है फ्रेंड, ये एक जगह नहीं होता है, ठीक है, ये एक जगह ये हमारी घटनाएं नहीं होती हैं। इसको और अच्छे तरीके से आइए हम इस फिगर में बता देते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जल है, नीचे जो है ये जल है, और इस तरीके से ये हमारा पूरा प्लेट है, और प्लेट में चूंकि बल लगता है, एक प्लेट इधर की तरफ खींच रहा है, एक प्लेट इधर की तरफ, अब दो में टेंशन लगे तो थोड़ा सा दरारें बनेंगी, और दरारों के कारण इसमें क्या बनेगा हमारा कि यहाँ पर से धीरे धीरे अब ज्वालामुखी देखिए पदार्थ निकलते जाएगा, इस तरीके से पदार्थ बनते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बड़ा बड़ा भी स्थल भाग बन जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि प्लेट चूंकि इधर की तरफ खिसक रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है, तो ये धीरे धीरे अब ये वाला ज्वालामुखी धीरे धीरे अब इधर आएगा, अब सागर में आकर के डूब जाएगा। तो इस तरीके से ये फिर आकर के अंदर की तरफ जाता है, और यही गल करके फिर इधर की तरफ आता है, गल गल करके गलित अवस्था में यही आता है, फिर इधर जैसे ही आएगा तो मेंटल में आएगा तो ये टेम्परेचर पा करके फिर गल जाएगा, और फिर इधर आकर के गल के ऊपर निकलना चाहता है, ठीक है, तापमान के रूप में, और गैस वोस बहुत सारी चीज़ें होती है, और इसी कारण विस्फोट भी होता है, कभी कभी हवाएं जो है जम जाती है, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो विस्फोट होता है काफ़ी मात्रा में, भारी भारी विस्फोट होता है पानी के अंदर भी। तो जापान जो है फ्रेंड, जापान को देखिएगा द्वीप के रूप में है, सेम टू सेम यही जो है कटक, ये जो ऊपर निकला हुआ है ऐसे ही कटक के रूप में जापान जो है बसा हुआ है, और जापान में आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा जो है आपको वहाँ पर काफ़ी मात्रा में भूकंप भी आता है, तो यही कारण है हमेशा जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ पर जो दो प्लेटें आकर के मिलती है, ठीक है, दो प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इस तरीके से इधर खिसका होता है और ये प्लेटें इधर की तरफ खींचता है, और इसके बीच में से जो है निकलने लगता है जो भी पदार्थ होते हैं नीचे से मेंटल वाला। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इन्होंने यही बताया फ्रेंड्स, इसका पता कैसे इनको लगा, तो महासागरीय नीतल प्रसरण के बारे में अर्थात फैलाव के बारे में, ये जो चीज़ें फैल रही है जो अर्थात नीतल, नीतल मतलब महासागरों को जो नीतल मतलब उसके तल वाला, तलहट्टी वाला जो आपको एक तरीके स्लोप है वह कैसे फैल रहा है, उसी के बारे में इन्होंने बताया प्रोफेसर हैरी हैस ने, हैरी एच हैस या हैरी हैस भी बोल सकते हैं, और रॉबर्ट एस डीज ने सन 1960 में। तो इन्होंने बताया सबसे पहले यहाँ के चट्टानों का अध्ययन किया, और उसके बाद धीरे 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 ये आपको इसके जो आपको एक्सिस था जहाँ से ये सारी चीज़ें निकल रही है, यहाँ से अब दूर दोनों तरफ दूरी बढ़ा बढ़ा करके यहाँ के चट्टानों का अध्ययन करने लगे, और ये देखते क्या है कि यहाँ के चट्टानों जो है काफ़ी पुरानी है, और इधर की जो चट्टानें बन रही हैं काफ़ी नया देखने को मिला। कार्बन 14 डेटिंग आपको पता होगा कि उससे जो है पुराने चीज़ों का पता लगाया जा सकता है कि कौन चीज़ कितना पुराना है। तो इसी प्रकार से उन्होंने चट्टानों का क्रम पाया और वहाँ पर बहुत प्रकार का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ की चट्टानें नवीन है और धीरे धीरे इधर की चट्टानें जो है काफ़ी पुरानी है। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि ये पहले बन चुकी है, ठीक है, ये पहले ये चट्टानें जो है बन चुकी हैं और इधर की तरफ भी खिसका हो रहा है, और चूंकि यहाँ पर जो अभी बनने की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जो है लगातार चल रहा है,
और ये जो है पूरा का पूरा इधर की तरफ जा रहा है और महासागरों को अंदर जा रहा है और फिर इधर से होकर के पुनः ये इसी पर आ रहा है। इसी तरह से कटक का भी निर्माण होते रहता है। तो उन्होंने सोचा कि सागरों के अंदर जो है ज़्यादा फैलाव क्यों नहीं होता, इसका हम आगे की तरफ अच्छे तरीके से और समझा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो यही हुआ हमारा सागर नीतल, यह है मिड ओशियन राइट, जिसको मध्य महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे 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 निकल जाते हैं, जैसे कि यही है हमारे मध्य महासागरीय कटक, देख सकते हैं इसी प्रकार से निकल जाते हैं। और चूंकि खिसकते रहता है, ये धीरे धीरे लाते रहते हैं और फिर अंदर जाकर के गलित अवस्था में होकर के फिर इधर से होकर के फिर धीरे धीरे निकलते रहते हैं, धुआं राख निकलते रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो सागर नीतल मिड ओशियन रिज क्या होता है, महासागरीय नीतल, आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मिड ओशियन रिज इसलिए कहे हैं क्योंकि यहीं पर हमारा पूरा का पूरा बन रहा है और यहाँ से जो धीरे धीरे प्रवाहित होकर के ये जा रहा है और फिर अंदर से होकर के महाद्वीपों के अंदर शिफ्ट हो रहा है और फिर अंदर से जाकर के मेंटल के सारे होते हुए गलित अवस्था तापमान पाकर के गल जा रहा है, फिर ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर मैंने महाद्वीपीय क्रस्ट की आपको एक तरीके से गहराई बताया है, 30 से 40 किलोमीटर सबसे ऊपर वाला जो है महाद्वीपीय है और ये 5 से 4 किलोमीटर जो है 5 से 6 किलोमीटर यहाँ पर ये जो है हमारा महासागरीय है और इसके ऊपर जल भरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। जैसे यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं यह पूरा जल है, हरा वाला भाग जो है यहाँ पर हमारा स्थल भाग है और ये सारा नीचे जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा सॉलिड अवस्था में है, नीचे का जो कोर है वो सॉलिड अवस्था में होता है, काफ़ी तापमान होता है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर सारा पारा और पारा जो है जितना प्रकार के जो धातु होते हैं लोहा वे भी पाए जाते हैं और ये जो है लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म उसके बाद जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो है गलित अवस्था में आते रहता है। और इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को समझ पाइए होइएगा अच्छे तरीके से। तो यही था फ्रेंड्स हमारा महासागरीय नीतल प्रसरण, मतलब महासागरों के नीचे जो है खिसकाव होना दो प्लेटों का और जब खिसकाव के क्रम में नीचे का जो है आपको आपको लावा जो है लावा बोल रहे हैं मैग्मा जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है और उसका फैलाव होता है और इस क्रम में वह कटक का निर्माण करता है फैल फैल करके और इसी को हम लोग महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग समझाते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये सारे चीज़ें होने की संभावना देखने को मिल सकता है। ये एक बार फिगर देख लीजिए, ये दक्षिणी अमेरिका है, प्रशांत महासागर है ऊपर से नीचे तक ऊपर वाले और यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका है, ये अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर यही है और ये हमारा जो है हिंद महासागर है और ये हमारा देख सकते हैं पूरा का पूरा ये ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा आर्कटिक है, ये मेडागास्कर है, ये अपना हिंद महासागर है, ये दक्षिण पूर्व एशिया है, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र हो गया, ये हमारा हो गया प्रशांत महासागर के क्षेत्र, यहीं पर जापान है और यहीं पर जो है यहाँ पर दो प्लेटें आकर के मिलती है, एक प्लेट ऐसा है देखिए यहाँ पर एक प्लेट ऐसा है, एक प्लेट जो है ऐसा है और एक प्लेट इधर की तरफ है और ये प्लेट इधर से आकर के निकलता है अर्थात इधर की तरफ और इधर की तरफ, एक प्लेट इधर की तरफ टकराता है और एक प्लेट ये वाला इधर की तरफ और इस तरीके से इसके बीच में जापान है और काफ़ी जो है इसी को फायर रिंग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप इसी क्षेत्रों में आते रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर्कटिक सागर सबसे ऊपर है, आर्कटिक सागर में जल है, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे में दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक नीचे है, आर्कटिक ऊपर है, ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये यूरोप है, यूराल पर्वत जो है एशिया यूरोप को अलग करता है, ये कैस्पियन सागर है, आपको है आपको एक तरीके से आपको ये कैस्पियन सागर हुआ और दूसरा जो था हमारा आपको अरल सागर था। तो इन तरीके से आप लोगों को समझ में आया फ्रेंड्स। आइए कुछ नीचे वाला फिगर को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। अब ये चूंकि प्लेट है फ्रेंड्स, आपको पता है प्लेटों के अंदर जो गैप है इसी से हमारा मेंटल निकलते रहता है और प्लेटों में दो प्रकार की गति पाई जाती है, एक इधर से खिसक सकता है एक इधर से, अभी प्लेट इधर भी जा सकता है ऊपर वाला इधर और एक दूसरे के विपरीत में भी आ सकते हैं इस तरीके से और एक दूसरे के पैरेलल, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से। तो ये चीज़ें हम प्लेट विवर्तनिकी में समझाएंगे, विशेष करके यहाँ पर गति समझा देंगे कैसे कैसे होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे ये जो हमारा सॉलिड अवस्था में सबसे अंदर जो है सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, धातुएं इसमें होते हैं निकेल और फेरस विशेष रूप से। अब आइए मध्य अटलांटिक जो हम लोग कटक पढ़ रहे थे, मध्य महासागरीय कटक जो अटलांटिक अंध महासागर में पड़ता है उसी को हम लोग अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये अफ्रीका का प्लेट है, यहीं पर अफ्रीका का प्लेट और ये जो है आपको यूरेशिया का प्लेट कहलाता है, ठीक है, यूरोप और एशिया का मिलकर के यूरेशिया का प्लेट कहलाता है और ये जो है उत्तरी अमेरिका का प्लेट है और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका का प्लेट है। तो इस तरीके से ये अमेरिकन प्लेट हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अमेरिकन प्लेट मान कर चलिए, इसको अमेरिकन प्लेट मान लीजिए, इसको हम लोग अफ्रीकन प्लेट मान कर चल सकते हैं और इसको जो है आपको साइबेरिया वाला यूरेशिया का प्लेट मान लेते हैं। और ये प्लेटों के बीच में जो है फ्रेंड ये एक दूसरे से सागर के नीचे जो है गैप में जुड़े हुए हैं और जब इनमें जो थोड़े थोड़े जगह मिलता है तो नीचे से आपको कटक का निर्माण होता है, नीचे से चीज़ें जो है निकलने लगती है, मैग्मा निकलने लगता है और इस तरीके से एक एस आकृति में ये फैला हुआ है, पूरा का पूरा एस आकृति में पूरा का पूरा जो है महासागरों के अंदर उत्तरी अटलांटिक से लेकर के मध्य आपको दक्षिणी अटलांटिक के बीच में एस आकृति में फैला हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर अफ्रीका
यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये फैला हुआ है और इसी तरीके से ये धीरे धीरे कटक का निर्माण हुआ जगह जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई भाग है और धीरे धीरे इधर की तरफ जो खिसकाव होते रहता है पतार जो है धीरे धीरे इस तलहटी में जो स्थल भाग है यहाँ पर जो अमेरिका है इसके तल वाले इसके खाई इसके खाड़ी में जो है धीरे धीरे जाते हैं और पुनः जो है पहुँच जाते हैं मेंडल के पूरा नदी और फिर गल करके ऊपर की तरफ आते हैं और फिर जहाँ पर उसका अंदर से जो पाइप नुमा जो सामान आपको पाइप नुमा जो आकृति बनी थी उसी के सारे तापमान और दाब पा करके गल जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है फ्रेंड्स और यहीं पर ये पूरा का पूरा बने हुए हैं। सेम टू सेम हमको देखने को मिलता है यहाँ पर भी आपको हिंद महासागर में भी, हिंद महासागर में ये आपका पूरा का पूरा जो है एक प्लेट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये अफ्रीका वाला प्लेट और ये अफ्रीकन और ये प्लेट जो है फिर यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे भी बनते हैं तो सेम टू सेम ऐसा ही बनता है फ्रेंड्स, ऐसा ही बनता है और प्लेटें जो है एक दूसरे से खिसकते रहती हैं और फिर आकर के इधर से जाकर के फिर ये गल जाता है फिर इसमें से जाकर के फिर ऐसे कटक बनते रहते हैं। इसी को श्रेणी देख रहे हैं, एक सीरीज है एक श्रृंखला है, इसी को हम लोग कटक के नाम से जानते हैं। तो मध्य महासागरीय कटक आप लोग समझ गए होंगे, कटक क्या होता है तो एक तरीके से पर्वत ही होता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में विशेष करके, अगले वीडियो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा क्योंकि मेहनत बहुत लगता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, आप लोग शेयर कीजिएगा तभी जो है हमारा भी मन लगते रहेगा वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक क्या एक दो नए टॉपिक दूसरा पढ़ाएंगे उसके बाद फिर प्लेट विवर्तन की पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।